हूं कि आखिरी बार कब बातचीत हुई थी धनदेव से घर वालों की? जी सर, 24 जून को शाम को 7-8 बजे बात हुई थी उनसे उनसे, जी और उन्होंने कहा था भी वो वैसे 8-9 महीने पहले गए थे वो घर से ना, ही उनका फादर एक्सपायर, उसके बाद गए थे घर से वो, जी तो उन्होंने वहाँ उनका कुछ कोर्ट केस वहाँ लेबर कोर्ट में चला हुआ था, पैसे 7-8 लाख मिलने थे उनको वहाँ से, इसलिए गए थे वहाँ से भी कुछ काम भी कर लूंगा तो पैसे भी लाने, फिर मैंने घर आ रहा, मैंने वहाँ नहीं करना काम वहाँ, तो वहाँ फिर वो पैसे उन्होंने करते करते फैसला हो चुका था, लेकिन कंपनी वाले पैसे दिए नहीं, आज देंगे अगले हफ्ते देंगे अगले हफ्ते देंगे, वो उस करके वहाँ प्राइवेट काम भी करते भी रहे वो, जी और वो उसको इंतजार भी करता, इस करके कंपनी में ज्वाइन भी कर ली उन्होंने, उसके बाद वहाँ उनका वीजा भी लगा दिया उन्होंने कंपनी ने, और उसके बाद 2-3 महीने वहाँ काम किया, फिर उन्होंने कंपनी ने निकाल दिया, फिर प्राइवेट काम करते रहे बाहर हो जी, वो फोन पे बात होते रहते थे यहाँ जी, और पैसे भी मिल जाने अगले महीने मिल जाना, अगले महीने मिल जाना, वेट करो वकील बोलता उनका भी अगले महीने मिल जाना, हो गई कोर्ट में कर दिया, लेकिन कंपनी दे रही हो सरकार ही थी इस करके वहाँ बैठे थे जी बैठे थी वहाँ, तो उसके बाद वहाँ उसके बाद सर वहाँ 24 तारीख को वहाँ जी वो मतलब उनके शाम को बात हुई, एक्चुअली वहाँ आग लगी हुई थी ना, वहाँ साथ ही कुछ जो पीछे में महीना पहले आग लगी थी वहाँ बिल्डिंग में साथ ही, उसी लोकलिटी में आग लगी थी बिल्डिंग में, 39 आदमी मर गए थे वहाँ जी जी, जी जी तो उसी लोकलिटी में आग लगी हुई थी, और वो उसी उन्होंने वहाँ से वैसे वो भी इस बिल्डिंग में रहते थे, उससे पहले आग लगने से 2 महीने पहले वहां से निकल गया, उस बिल्डिंग से निकल गया था, वो उसी लोकलिटी में दो साथ वाली बिल्डिंग में रह रहे थे, दूसरी बिल्डिंग में, जी तो तो हाँ जी, तो उस करके उस आग के चक्कर में वो जो है वहाँ जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने बोला भी जो सारी बिल्डिंगें चेक की उन्होंने, कौन कौन बिल्डिंग अनसेफ है जो कि जहाँ ज्यादा रह रहे हैं, तो जी उन्होंने बिल्डिंग खाली करवाई, फिर 15-20 दिन में उन्होंने पूरा किया ऑपरेशन, पूरी बिल्डिंग वहाँ सराउंडिंग बिल्डिंग खाली करवाई जहाँ वो रह रहा था, उसके बाद वो बिल्डिंग भी उन्होंने खाली करवाई, 24 तारीख खाली बिल्डिंग खाली कर दो उसको 24 जून को जी, हंसराज जी, तो उसने मेरा सवाल आपसे ये है, एक के जब धनदेव से आखिरी बार बात हुई, उसके बाद क्या उसके कुछ और वहां पर साथी होंगे जो साथ में काम करते होंगे या कुछ संबंधी होंगे, तो क्या उन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? उन पे सर संपर्क हो पा रहा है उनसे सर, उनसे वो सारे वहां थे, वो आप अपने एक जगह चले गए, कहीं कोई कहीं चले गए कोई चला गया, कच्चे रहते हैं 3-4 आदमी कहीं चले गए कहीं चले गए, उनसे बात हो रही है, लेकिन वो उसने वो भी कहीं बोले वहीं बैठा हुआ था कि वहीं दिन को वहां 9वीं मंजिल में था उसका क्वार्टर उनका, तो नीचे वहां सब अपनी जगह चले गए, वो नीचे वहां सवेरे जैसे सोया हुआ था अपने वहां ग्राउंड फ्लोर पे, सब जी चले गए अपने दिखाने के डर के मारे भी पुलिस वाले पकड़ना ले, वो कहीं सोया हुआ था, शाम को जब देखने आया तो वहां था नहीं वो, बस उन्होंने देखा वहां था नहीं वो, उसके बाद वो केस नहीं हो रहा है, 25 तारीख को देखा उन्होंने ना सवेरे वहां लेटा हुआ था वहां ग्राउंड फ्लोर पे जी उस बिल्डिंग में, तो फिर शाम को जब उन लोगों ने देखा जो उसके साथ में वाले थे उन्होंने देखा, तो वो फिर वो वहां था नहीं वो, फिर सारे उन्होंने अपने काम में लग गए, उनको क्या चिंता भी होना कहीं चला गया होना, जैसे हम कहीं सेटर वो भी चला गया होना कहीं हो गया होना, तो तो फिर जब घर से 25 तारीख को उसका फोन फिर मोबाइल फिर बंद आया जी 25 तारीख को, हंसराज जी, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? घर वाले, उनके माता पिता जो है, आप उनके मामू हैं, उनके माता पिता, आपकी जो बहन है, वो जी क्या कह रही हैं कि क्या हुआ होगा? क्योंकि कुछ तो बातें पहले हुई होंगी, इससे पहले जो आपने देखा, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आग लग गई थी और कई भारतीय जो वहाँ उसमें रहते थे उनकी जानें चली गई थी, लेकिन उनके जो शव है वो यहाँ लाए गए थे, तो क्या वो उसी बिल्डिंग में रहते थे? उस बिल्डिंग में तो वो रहता था दो, उससे आग लगने से 2 महीने पहले रहता था, वहां से शिफ्ट हो गया था वो, तो फिर उसके बाद 24 जून तक बात होती रही उससे, वो शिफ्ट हो गया था उसी बिल्डिंग चला गया था वहां से, वो उसी लोकल टीम उसी नजदीक कहीं नियर बाई सराउंडिंग में कहीं चला गया था ना वहाँ, जी तो गवर्नमेंट ने जो उस पर फिर वो एक्शन लिया भी सारी बिल्डिंग जाना अनसेफ है खाली करो इनके यहाँ से भी कल को और आग लग सकती है, तो उस बिल्डिंग को खाली करवा रहे 24 तक, उसने घर फोन किया कि मैं जो तो यहाँ मुझे अब निकाल रहे हैं, मैंने वो पैसे वो हवा 1 हफ्ते के बाद बोल रहे हैं मैं बोल रहे हैं मिल जाने पैसे तो मैं वेट कर लूँ, मेरा वीजा उसका 17 जुलाई जो 17 जुलाई अब आएगी ना उसका वीजा जो वीजा था लगा हुआ उसका 17 जुलाई तक, जी तो अब आप ये वो बताएं भी कि जब अब आप लोगों ने सांसद से मुलाकात की है, कंगना रनौत से मुलाकात की, आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, क्या भरोसा जी मिला है, क्या बताया उन्होंने कि कैसे करेंगे और कब तक जो है उम्मीद बंधाई है? उन्होंने कहा भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो तो वहां का हमें वो सांसद जी ने बोला वहां का नंबर दो, वहां का जो नेट का नंबर है नहीं वो हमारे पास है नहीं, इंडिया का नंबर है वो तो वहां उससे बात बनती है, इंडिया का नंबर है जिसे ऊबर से बात करता है इंडिया के नंबर से ना, पर जो ठीक नेट है, कनेक्शन है वो तो वहां से वो वहीं का होगा, वो हमें पता नहीं है क्या नेट नंबर है नहीं उसका वो नहीं तो देखिए, अगर एम्बेसी के थ्रू वो नंबर मिल जाएगा, चूंकि एम्बेसी में पूरे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन हाँ जी हाँ सा जी कर्मचारी कौन सा
जो बंदा वो कहाँ काम कर रहा है, किस कंपनी के तहत काम कर रहा है, वो उस स्तर पर बातचीत होगी तो जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या बताया, फिर दोबारा कब बुलाया कंगना मैम ने? उन्होंने तो अभी ऐसे बात नहीं करते, हम पता कर रहे हैं, बाद में पता, लेकिन हम डीसी साहब से मिले हैं ना 4 तारीख को। मैं तो डीसी साहब से मिले, उन्होंने एडीसी साहब से मिले, उन्होंने 4 तारीख को ही भेजा है दिल्ली, वो मेरे पास लेटर है, उन्होंने भेजा था, ये मैं बताता हूँ आपको जी, उन्होंने भेजा था ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेजा था लेटर उन्होंने, जी हाँ जी, डीसी साहब ने जी। और दूसरा भेजा नंबर दो था प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, ये हमारा शिमला वाला शिमला को भेजा, उन्होंने शिमला को, जो हमारा स्टेट का, जो स्टेट का नहीं, जिससे फिल्म सेक्टर होम का, उनको भेजा था। चलिए हंसराज जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 जेकेएलए से बातचीत करने के लिए। नहीं, एक मिनट, मेरी एक बात सुनिए। जी हाँ, बताइए बताइए बताइए। अब जो सेक्रेटरी जो यहाँ से डीसी साहब ने भेजा दिल्ली सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर, और मैंने भेजा होम सेक्रेटरी शिमला को, हमारे शिमला से वहाँ होम सेक्रेटरी चिट्ठी ले गई है, वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी गल्फ को चिट्ठी गई है, यहाँ से 5 तारीख चली गई, 5 जुलाई को चली गई है ज्वाइंट सेक्रेटरी गल्फ जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गल्फ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गल्फ डिवीजन वहाँ। अब वहां से आके कहा क्या हुआ वो नहीं पता, हमें आई रिक्वेस्ट है आपसे, वहां से आके कहा क्या कर रहे हैं वो ये हमें पता नहीं लग रहा, वो बता दें, वहां से बोलते हम नहीं बताएंगे आपको, हमारा आदमी गया वहाँ दिल्ली मिलने गया वहाँ उन दफ्तर, वो बोलते हम नहीं बताएंगे, हम उनको गवर्नमेंट को बताएंगे, हमें पता क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कहाँ गई, उससे आगे क्या प्रोसेस हुआ, ये नहीं पता लगा सर, ये मेन बात है। ठीक है, चूंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम कामना करेंगे कि आपकी ये जो परेशानी है वो जल्द हल हो जाए, और फिर आपसे हम संपर्क भी करेंगे। फिलहाल न्यूज 18 जेकेएलए से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम काफी गंभीर हैं इस मामले को लेकर, और हमने जो है वो ऊपर भी सेंटर में भी बात की है, वहां से हमें ये रिक्वायरमेंट आई है कि वो जो गायब हुए हैं कुवैत में उनका वहां पे मोबाइल नंबर हमें चाहिए, और वहां किस कंपनी में वो काम करते थे उसकी डिटेल्स भी चाहिए, और उसके साथ में ही आज मैंने उनके परिवार वालों से बात की कि वहां से कौन से मंत्रालय में जो है कुवैत के भी कहां किस कंपनी में जो है या किस एजेंसी में इस बात की कंप्लेन की गई है कि वो मिसिंग है, तो ये डिटेल जो है वो मुझे लाके दे रहे हैं, अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं किए हैं, तो एक बार हमें उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो उसकी से क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई में कुवैत में ही थे, नहीं तो वो हमेशा इंटरनेट कॉल ही करते थे, तो इस बात की कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो कुवैत में ही थे या कहीं और थे, जहां तक अब मेरी परिवार से बात हुई है, और इस संबंध में जो है मैं उनसे मिलूंगी और देखूंगी आगे जैसे ही मुझे डिटेल्स, क्योंकि मुझे मंत्रालय से जो है इंटरनेशनल अफेयर मिनिस्ट्री ने मुझे जो है ये चीजों से रिक्वायरमेंट